एम ओ पी फर्स्ट चैप्टर नैक्सट टॉपिक जोड़ा असं अज लैन जा रहे हैं द मॉडर्न ऑफिस का प्रिंसीपल्स ऑफ सैंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट जी वीडियो से असी पढ़िया भी सैंटिफिक ऑफिस मैनेजमेंट की है तो वे फीचर्स जोड़े आप डिस्कस किए हूँ असं डिस्कस कर जाने कि प्रिंसीपल्स ने किड़े नियम ने जोड़े कि सैंटिफिक मैनेजमेंट के यूज़ कर सकते हैं ये वारी वारी डिस्कस करते हैं। सब तो पहला पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थम मैथड, यानी पुराने मैथड्स न जिहड़ा ना यूज़ करते हुए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए असी नवे मैथड्स यूज़ करने, वो जो नवे मैथड्स यूज़ करने वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के उपर जिहड़ा बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन के उपर बेस्ड होने चाहिए आ, यानी कोई भी डिसीजन लैन तो पहला प्रॉपर तरीके की जिहड़ी डेटा इंफॉर्मेशन जिहड़ी तुसी कलैक्ट करनी है, क्वांटिटेटिव टैक्नीक्स यूज़ करनी है, जिहदे नाल जिनी वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी उन्ना ही तुहाडा डिसीजन मेकिंग जिहड़ा वो बिल्कुल एक्यूरेट होएगा, यानी संभावना जिहड़ी हो जाती है कि तुसी जो डिसीजन लैन जा रहे हो वो डिसीजन बिल्कुल सही लिया जाए। ये तां ही पॉसिबल आ जेकर तुहाडे कोल जिहड़ा जिहड़ा पुराना डेटा है पास्ट मैमरीज जिहड़ा कह सकते हैं या पुराना डेटा जिहड़ा है इंफॉर्मेशन जिहड़ी है जिहड़ी तुसी कलैक्ट की है डिसीजन लैन दे लई वो इंफॉर्मेशन ते डेटा जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए। सैकेंड प्रिंसीपल ये आ जाता है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, यानी वर्कर्स के मैनेजमेंट के जी कोऑपरेशन जी उन्होंने बना के रखनी तालमेल बना के रखना। जेकर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के वर्कर्स के कन्फलिक्ट हो गए, यानी जे कोई किसी तरीके के कोई मतभेद ने उन्होंने उन्होंने कन्फलिक्ट करके जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इस करके कि एम्पलॉइज़ के तो मैनेजमेंट के जिहड़ा पूरी प्रॉपर तरीके कोऑपरेशन तो कोऑर्डिनेशन जी दोनों के होनी चाहिए। ये वास्ते उन्होंने लिखा है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गनाइजेशन कैन बी इनक्रीज, यानी जेकर एक बेस्ट वे चूज़ किया जाए काम ऑर्गनाइजेशन के काम करने की जी एफिशिएंसी है वह इनक्रीज़ हो जाती है बिना किसी कन्फलिक्ट। इस करके दोनों के रिलेशनशिप जोड़े आ बहुत इंपॉर्टेंट ने, वर्कर का मैनेजमेंट का जोड़ा रिलेशनशिप आ वो बहुत मैटर कर। जोड़ा तीसरा प्रिंसीपल ये दिता गया वो है इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी। ये की है कि जी मैनेजमेंट है मैनेजमेंट जी रिस्पोंसिबिलिटी इस तरीके वंडेगी कि हर एक दे कोल बिल्कुल इक्वली जी रिस्पोंसिबिलिटी आए, यानी यह नहीं आ कि कोई मैनेजमेंट जी इस तरीके मतभेद करे कि वह इक्वली जी रिस्पोंसिबिलिटी शेयर ना करे, किसी एक की जिम्मेवारी ज्यादा ला दे, वर्कर्स की जी जिम्मेवारी घट कर दे, वर्कर्स की जिम्मेवारी ज्यादा ला दे, मैनेजमेंट अपनी सिरदर्दी घटा ले। इस करके की आ कि वर्कर्स तो मैनेजमेंट जोड़े वो बिल्कुल इक्वल रिस्पोंसिबिलिटी शेयर करे, यानी वो पूरी जिम्मेवारी समझे, मैनेजमेंट भी अपनी बिल्कुल इक्वल जिम्मेवारी समझेगी, वर्कर्स भी जोड़े बिल्कुल अपनी इक्वल जिम्मेवारी समझे। ये की होएगा जोड़ा मैनेजमेंट आ उन्हें की करना है सिर्फ प्लैनिंग प्रोसैस, यानी उन्हें की है ज़्यादातर मैनेजमेंट जी सिर्फ प्लैनिंग करती है डिसाइड करती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम होता है प्लैनिंग का काम मैनेजमेंट का, लेकिन जो उन्होंने प्लैनिंग की है जो उन्होंने डिसीजनस ले आ उन्होंने डिसीजनस इंप्लीमेंट कर काम एग्जीक्यूट कर काम वो वर्कर्स का है। जेकर वर्कर्स प्रॉपर तरीके प्लैनिंग के अकॉर्डिंग या डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग जोड़ा उस प्लैन जेकर एग्जीक्यूट करते मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो जाहिर जी गल है कि उन्होंने परफॉर्मेंस जी इनक्रीज़ होएगी। इस करके वर्कर्स तो मैनेजमेंट की जी रिस्पोंसिबिलिटी है वह बिल्कुल इक्वली शेयर होनी चाहिए है। चौथा प्रिंसीपल ये आ जाता है साइंटिफिक सिलैक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यानी जी वर्कर्स की सिलैक्शन है या वर्कर्स की ट्रेनिंग है वो वास्ते साइंटिफिक मैथड्स जोड़े आ चूज़ करने। ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो कि राइट परसन जो बिल्कुल राइट जॉब के उपर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि उन्होंने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जोड़ा उन्होंने बिल्कुल सही जॉब के उपर अपॉइंट करना जरूरी है। जेकर किसी योजे वर्कर या योजे एम्पलॉय में किसी स्पैशलाइज जगह पर बिठाता जाए जो काम नहीं आता वो फिर पूरे एफिशेंटली जो काम नहीं कर सकता। इस करके पुट राइट परसन एट द राइट जॉब यदा मेन मोटिव जोड़ा है सिलेक्शन ट्रेनिंग का होना चाहिए, सही बंदे नू सही जगह के उपर जॉब पर रखना। ये वास्ते उन्होंने प्रॉपर तरीके सिलेक्शन मैथड यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिदा की जॉब की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग ही उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए। सिलेक्शन ऑफ रोंग परसन कैन अफेक्ट द
एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जेकर गलत पर्सन जिहड़ा है गलत जगह पर जो अपॉइंट कर लिया जाए उहदे नाल जिहड़ी कंपनी की एफिशिएंसी है उस पोस्ट के उपर जिहड़ा काम करन दी जिहड़ी एफिशिएंसी घट जाती है। इस करके जिहड़े मैथड्स ने वर्कर्स नूं सिलेक्ट करन दे ट्रेन करन दे वो बिल्कुल साइंटिफिक होने चाहिए है। फिफ्थ जिहड़ा प्रिंसिपल इहदे विच इह आ जांदा मैक्सीमम आउटपुट। मैक्सीमम आउटपुट का मतलब है कि बिल्कुल मैक्सीमम आउटपुट लैनी। इहदे विच एक चीज़ मैं ऐड करदा मैक्सीमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कॉस्ट नूं घट तो घट करना, प्रोडक्शन नूं इस तरीके दे नाल वधाउणा कि प्रोडक्शन जिहड़ी आ अपने कोल जिन्नी असीं मैक्सीमम लै सकदे हां उन्नी मैक्सीमम जिहड़ी आ उहनूं प्रोडक्शन नूं करना, यानी उन्नी ज़्यादा मात्रा दे विच जिहड़ा कोई भी प्रोडक्ट जिहड़ा प्रोड्यूस करना। मैनेजमेंट शुड इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट नूं जिहड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिहड़ी आ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए है। एंड वर्कर शुड इनक्रीज देयर एफिशियंसी, तो वर्कर्स नूं अपनी एफिशियंसी इनक्रीज करनी चाहिए है जिस करके प्रोडक्शन जिहड़ी आ ज़्यादा प्रोडक्शन जिहड़ी आ पॉसिबल हो सके। मैक्सीमाइजेशन ऑफ आउटपुट इज़ पॉसिबल, यानी मैक्सीमाइजेशन ऑफ आउटपुट जिहड़ी आ उह तां ही पॉसिबल होएगी जेकर वर्कर्स दे विच ते मैनेजमेंट दे विच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होएगा, प्रॉपर तालमेल होएगा। इस करके उन्हां दा एम होना चाहिए है कि उन्होंने बिल्कुल मैक्सीमम आउटपुट लैनी है, प्रोडक्शन नूं मैक्सीमम तक लैके जाना है। इहदे विच ये भी नहीं करना कि असीं क्वालिटी जिहड़ी घटा दीए, क्वालिटी मेनटेन करते हुए जेकर असीं स्टैंडर्ड क्वालिटी की गल करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी नूं मेनटेन करते हुए प्रोडक्शन नूं मैक्सीमम तक लैके जाना, ये उहदा एक मेन प्रिंसिपल जिहड़ा एक मेन मुद्दा जिहड़ा होना चाहिए है।